T20 लीग का सेकेंड हाफ और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि अब लड़ाई प्लेऑफ की है। सीजन के 38वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने सीजन में टॉप पर चल रही दिल्ली को 5 विकेट से हरा कर बाजी मारी। ये पंजाब की लगातार तीसरी और अहम जीत है। केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने अंतिम 3 मैच में टॉप 3 टीम को हराया है, जिनके नाम दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैं। आईपीएल के शुरुआती मैचों में 7 में से 6 मैच हारने वाली टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने लगातार 3 मैच जीतकर टूर्नामेंट में कमबैक कर लिया है। सीजन में 4 जीत के साथ पंजाब पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जिसके साथ ही पंजाब ने प्लेऑफ की अपनी दावेदारी बरकरार रखी है। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पंजाब का मुकाबला पॉइंट्स टेबल के बॉटम 3 सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होना है। वहीं एक मुकाबले में उसका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से भी होना है। ऐसे में पंजाब के पास प्लेऑफ में जगह बनाने का भरपूर मौका है। टीम में क्रिस गेल की वापसी के बाद किंग्स इलेवन का हौसला बढ़ गया है। गेल की टीम में एंट्री होते ही पंजाब की वो टीम लगातार 3 मैच जीत गई है। सीजन के फर्स्ट हाफ में टीम को सिर्फ निराशा हाथ लगी थी। लगातार मिल रही हार के बाद क्रिस गेल का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में क्रिस गेल ने कहा था कि वो अपनी बल्लेबाजी को मिस कर रहे हैं और अब यहाँ से हमारी टीम सभी मुकाबले जीतेगी। क्रिस गेल की ये बात सच होती नज़र आ रही है। क्रिस की वापसी के बाद टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। ये सभी मुकाबले टक्कर वाले थे जहाँ कोई भी टीम जीत सकती थी। पंजाब ने इस सीजन में कुल 3 सुपर ओवर खेले हैं, जिसमें 2 तो सिर्फ एक ही मैच में है। पहले सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं रविवार को हुए डबल सुपर ओवर में पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराकर टूर्नामेंट में वापसी की है। अब पंजाब की निगाहें आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मुकाबले पर होगी। अगर ये मुकाबला बेंगलोर जीत जाती है तो पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। बेंगलोर 12 पॉइंट्स के साथ टेबल में 3रे स्थान पर है और कोलकाता फिलहाल 10 पॉइंट्स के साथ 4थे स्थान पर बरकरार है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आईपीएल की पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा TV9 भारतवर्ष।